हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सिर्फ 16 दिन बचे हैं प्रीलिम्स को। तो ये जो 16 दिन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू गो फुल थ्रॉटल अप दी एंडे, और जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है प्लीज़ उसे फॉलो करते रहिए। लेकिन दो चीज़ों पे ज़रूर फोकस दें, रिविजन मोर देन रीडिंग द न्यू टॉपिक्स, फोकस ऑन द रिविजन पार्ट एंड सॉल्विंग टेस्ट। ठीक है, कौन से टेस्ट? फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो एक तरह से आप ले लीजिए कि एग्ज़ाम की जो फील है, जो रियल फील है, वो फुल लेंथ टेस्ट ही देते हैं, राइट? ओके, नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज़ वीडियो, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीक्स वीडियो जो हमने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स पर बनाई थी। जो रिमेनिंग है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउ वी all know that India has total of 18 biosphere reserves, जिसमें से 12 are part of World Network of Biosphere Reserves. पहला कौन सा था? नीलगिरी, and the latest being पन्ना, which is the 12th one to be recognized as a part of World Network of Biosphere Reserves. So कुछ हमने पिछले वीक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देख लीजिए। So इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ वी ऑल नो दैट गल्फ इज एन इंडेंटेड नेविगेबल कोस्ट लाइन विच इज नैरोअर देन अ बे। ठीक है, सो इनफैक्ट नीचे हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार है और ऊपर हमारे पास पाक बे है, और गल्फ ऑफ मन्नार पे ही हमें मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व which covers an area of 10,500 square kilometers along with 21 islands and the adjoining coastline. अब यहाँ पे आपके पास आइलेट्स हैं। आइलेट्स क्या होते हैं? स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है, एंड द कोस्टल बफर जोन। इसमें आपके पास बीचेस आती हैं, एस्टुरीज आती हैं, ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉडली फॉरेस्ट। These are similar to the deciduous forest, that is leaves trees they shed their leaves during the dry season. उसके अलावा आपको सीवीड कम्युनिटीज़ मिलती हैं, which are also kelps are an example of seaweeds which have been in use. इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शीज एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। It is the first marine biosphere reserve not only of India but also of South and Southeast Asia. उसके बाद इंडिया में मेजरली 4 जगहों पे कोरल रीफ्स मिलते हैं। उनमें से एक गल्फ ऑफ मन्नार है, बाकी 3 है गल्फ ऑफ कच्छ विच इज़ इन गुजरात, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ की, सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो है सी काऊ। सी काऊ यूपीएससी का भी फेवरेट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा वेल शार्क, सी हॉर्स, सी हॉर्स इज़ अ टाइप ऑफ फिश, ठीक है, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, डॉल्फिन, सी कुकुम्बर्स, एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ बलानोग्लॉसस। बलानोग्लॉसस क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी लिंक है बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये भी आपका एक पोटेंशियल प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। क्रैब्स और मैंग्रोव्स, ठीक है, सो ये सब कुछ आपको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। Then when we talk about sea cow is a very important species. और sea cow क्या है? एक mammal है, ठीक है, it is not a fish but it is a mammal, ठीक है। sea cow का नाम sea cow क्यों है? क्योंकि अगर हम terrestrial cows देखें वो grass पे feed करती है, तो sea cow भी grass पे feed करती है, right? Now it is one of the 4 surviving species of order Sirenia. नाउ इसमें ना एक स्टेलर सी काऊ भी आती है विच इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, ठीक है। इंडिया की बात करें तो बहुत कम नंबर है, और कहाँ पे मिलता है? गल्फ ऑफ मन्नार जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गल्फ ऑफ कच्छ। सो देर आर वेरी फ्यू नंबर्स, और जो मिलते हैं इन जगहों पे ज़्यादातर आपको मिलते हैं। उसके बाद कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ के साथ इंडिया ने कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग MOU साइन किए हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन स्पीशीज़। उनमें से एक हमारे पास डुगोंग भी है जो 2008 में साइन किया गया था। रैप्टर्स विच आर दी बर्ड्स ऑफ प्रे, इनकी प्रोटेक्शन के लिए 2016 में साइन किया गया था। मेरीन टर्टल्स 2007 में और साइबेरियन क्रेन्स 1998 में। ये भी आपका एक पोटेंशियल प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद सी काउ का IUCN स्टेटस वनरेबल Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने एक डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व अनाउंस किया है विच विल बी सेट अप इन दी पार्क बे। नाउ यू शुड नो व्हाट कंजर्वेशन रिजर्व इज। इट इज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो अमेंड हुई थी लेटली। और कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या फ़र्क है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा 2013 का एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काउ, सी हॉर्स, सी लॉइन, इनमें से कौन से मैमल्स हैं। ठीक है, आपने ये सॉल्व किया होगा आई एम अज्यूमिंग। देखो सी काउ जो है ये एक मैमल है और सी लाइन जो है ये एक मैमल है। सी काउ ग्रास पे फीड करता है, इट इज़ एन हर्बीवोर, तो इसलिए इसका नाम सी काउ है। सी लाइन जो है वो कार्निवोरस है, ठीक है, लाइक दी लायंस, तो इसलिए इट इज़ नोन एज सी लाइन। और ये भी मैमल है। सी हॉर्स जो है ना वो फिश को बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम किंगडम एनिमेलिया में देखें तो वी हैव फिश, वी हैव एम्फिबियंस, वी हैव रिप्टाइल्स, वी हैव बर्ड्स एंड वी हैव मैमल्स। सो सी काउ एंड सी लाइन आर मैमल्स, सी हॉर्स इज़ अ फिश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आया 2015 में डुगोंग के ऊपर। अब देखो, It is a mammal found in India. Which of the following statements are correct? It is a herbivorous marine animal. Obviously सही है, herbivorous हमने अभी देखा, mammal है वो तो चलो हमें उसमें दे दिया, marine है ये भी सही है। It is found along the entire coast of India नहीं, कुछ कुछ जगहों पे मिलता है। Legal protection under Schedule 1 ये भी सही है। ठीक है, सो डुगोंग भी एक important topic है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा वेल शार्क्स। देखो वेल शार्क भी मिलते हैं यहाँ पे, ट्रॉपिकल ओशंस में मिलते हैं, इनफैक्ट जो वार्म टेम्परेट ओशंस हैं वहाँ पे भी आपको वेल शार्क मिलते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ठीक है, नाउ इट इज़, देखो जो शार्क है ना वो फिश को बिलोंग करती हैं। ठीक है, वो फिश को बिलोंग करती हैं। जो हमारे पास वेल्स हैं वो मैमल्स को बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब ये वेल शार्क है तो ये किसको बिलोंग करती है, ये भी फिश को ही बिलोंग करती है। इट इज़ द बिगेस्ट फिश एंड शार्क इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेलाजिक का मतलब क्या है, डीप वाटर्स में आपको मिलती हैं। IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड। ठीक है, Appendix 2 ऑफ साइट्स एंड Appendix 1 ऑफ CMS एंड Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन बहुत ही लेटली 2001 में ही इनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, सो IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड। सी काउ का IUCN स्टेटस क्या है, वनरेबल। तो थोड़ा सा आपको ना ऐसे ऐसे ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। देन सी कुकुम्बर। अब सी कुकुम्बर क्या है, सी कुकुम्बर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट है ये। और ये ना आपको कोरल्स में बहुत मिलता है, क्योंकि ना कोरल्स में क्यों मिलता है, क्योंकि इसको ये जब डाइजेस्ट करता है तो इट रिलीजेस कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कोरल्स का। ये कोरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोरल्स में इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोरल सी कुकुम्बर। इट लुक्स लाइक कुकुम्बर ऑल्सो। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हो। अब यहाँ पे ना IUCN जब हम बात करते हैं रेड लिस्ट की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ है कुकुम्बर की। जैसे एक ब्राउन है जो इंडेंजर्ड है, जो ब्लैक स्पॉटेड है वो लीस्ट कंसर्न है, तो हमें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। वेरीड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट Schedule 1। और लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये लक्षद्वीप में भी मिलता है। दे हैव अनाउंस्ड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया फॉर इंडेंजर्ड सी कुकुम्बर्स। ठीक है, तमिलनाडु ने अनाउंस किया था सी काउ के लिए, लक्षद्वीप ने अनाउंस किया है सी कुकुम्बर के लिए। देन डॉल्फिन्स भी मिलती हैं यहाँ पे। अब डॉल्फिन्स ना आपके पास देखो, ये गंगेटिक, इंडस रिवर और इरावदी डॉल्फिन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉल्फिन्स आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में खास करके। तो ये जो है गंगेटिक है, इंडस रिवर है और इरावदी है। IUCN स्टेटस तीनों का इंडेंजर्ड है। ये ओवरऑल डॉल्फिन्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। गंगेटिक डॉल्फिन्स है जो गंगा में मिलती है ना, इन दैट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ या लोकली नोन एज सूसू, क्योंकि ना ये नॉइस प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इट ब्रीथ्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट Schedule 1 Appendix 1 ऑफ साइट्स एंड हमने ऑलरेडी देख लिया IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। अब दुनिया में ना 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स मिलती हैं। ठीक है, बाईजी जो कि यांगसे रिवर चाइना में विच इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, भूलान ऑफ इंडस इन पाकिस्तान, बोटो ऑफ अमेजोन, ठीक है, और ये रिवर्स और लेक में ही रहती हैं. दे प्रेफर डीप वाटर्स, ठीक है, एंड दे आर द वन विच आर ब्लाइंड बिकॉज दे डोंट हैव एन आई लेंस. तो ये मूव कैसे करते हैं, दे यूज़ द फिनोमिनन ऑफ इको लोकेशन. बिहार गवर्नमेंट ने पहली ऑब्जर्वेटरी बनाई थी फॉर गंगेटिक डॉल्फिन्स इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एट दी विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी अगेन इन बिहार. नाउ गंगेटिक डॉल्फिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स, तो आई हैव जस्ट एडेड दिस वन हेयर, ठीक है. बट यहाँ पे आपको डॉल्फिन्स भी मिलती हैं, नॉट गंगेटिक बिकॉज दे आर ऑब्वियसली फ्रेश वाटर. देन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2015 में आया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का, गंगेटिक डॉल्फिन. और भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं गंगेटिक डॉल्फिन पे. अच्छा, उसके बाद टर्टल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है हॉक्सबिल और ग्रीन टर्टल आपको मिलते हैं. हॉक्सबिल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ग्रीन टर्टल इज़ इंडेंजर्ड, दोनों ही शेड्यूल वन में आते हैं. देखो ये हमारे पास ग्रीन टर्टल है, तो इनकी ना जो ये चीज़ है ये ही डिफ्रेंशिएटेड होती है, डिफ्रेंशिएट करती है. जैसे ये हॉक्सबिल है तो आई थिंक इसका थोड़ा सा बाहर की तरफ है कंपेयर टू ये, तो बहुत ही कम सा डिफरेंस होता है अगर आप ऐसे देखो. बट हाँ, जो हॉक्सबिल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और जो ग्रीन है वो इंडेंजर्ड है, दोनों ही शेड्यूल वन में आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉक रेक बायोस्फीयर रिजर्व. जो नॉक रेक बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द ट्यूरा रेंज विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेघालयन प्लाटू, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है मेघालयन प्लाटू पे. Now entire area is mountainous and Nock Rek is the highest peak of the Garo Hills, ठीक है. Now जो इसका north है इस reserve का, वहाँ पे gently undulating hills हैं, ऐसे. जो south है वहाँ पे आपको steep slopes मिलती हैं. रिवर्स और स्ट्रीम्स की बात करें तो ये हैव गनौल, डरेंग एंड सिमसांग रिवर्स जो कि यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें से जो सिमसांग है वो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट है, नॉर्थ में ओरिजिनेट होता है, डरेंग साउथ में होता है, और जो गनौल है इट फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द ब्रह्मापुत्रा रिवर एंड इट सप्लाइज वाटर टू न्यूमरस टाउन्स, ठीक है. तो ये तीन रिवर्स आपको नॉक रेक में मिलते हैं, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको और सेमी एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है. अब या तो आप एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ते हो या आप डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ते हो. सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो कि अपने जो लीव्स हैं उनको तो शेड कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम समय के लिए शेड कर रहे हैं, अनलाइक डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है. सो एवरग्रीन है जो एक टाइम पे शेड नहीं करते हैं, तभी वो एवरग्रीन लगते हैं. डेसिडुअस है जो ड्राई सीजन के दौरान पूरा फॉरेस्ट शेड करता है अपने पेड़, ठीक है. जो सेमी एवरग्रीन है वो बहुत ही छोटे कम टाइम के लिए अपने लीव्स शेड करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सेमी एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है. अब जो 90% है लेकिन नॉक रेक का, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से ही कवर्ड है. यहाँ पर आपको बैम्बू फॉरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे ना आपको सिट्रस जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस जो स्पीशीज़ हैं उनकी काफ़ी एंडेमिक वेराइटी मिलती है, ठीक है. वाइल्ड ऑरेंज, इंडियन वाइल्ड ऑरेंज, सिट्रस इंडिका जैसे आपको यहाँ पे मिलता है. की फौना कौन सा है, रेड पांडा, ठीक है. उसके अलावा आपको टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, मकाक्स, दे आर अ टाइप ऑफ मंकीज़, ठीक है. गौर विच इज़ वाइल्ड कैटल, इंडियन बाइसॉन, क्लाउडेड लेपर्ड, हुलॉक, गिबॉन्स, ये सब यहाँ पे मिलता है, ठीक है. रेड पांडा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है तो उसको देख लेते हैं ना. रेड पांडा ना आपको ईस्टर्न हिमालयाज़ में मिलता है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलता है एंड साउथ वेस्टर्न चाइना में मिलता है, ठीक है. एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जाइंट पांडा. ये आपको ना इन हाइट्स पे मिलेगा, तो मतलब हाइट्स पे ही मिलता है ये आपको. मिक्स्ड डेसिडुअस एंड कॉर्निफर फॉरेस्ट विथ डेंस अंडरस्टोरीज ऑफ बैम्बू, ठीक है. तो बैम्बू वाली जगहों पे ये आपको मिलता है. नाउ इट इज़ अ सॉलिटरी एनिमल, एक्टिव फ्रॉम डस्क टू डॉन, ठीक है, मतलब नॉक्टर्नल है एंड क्रेपिस्कुलर है. ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ये डस्क और डॉन पे एक्टिव होते हैं उनको, ट्वाइलाइट पे एक्टिव होते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेसर पांडा, रेड बियर कैट एंड रेड कैट बियर, ठीक है. इंडिया में आपको मेनली ये अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, इन्हीं स्टेट्स में मिलते हैं. तो ये रट लो, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. इट इज़ दी स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, ये भी आपको पता होना चाहिए. अच्छा, सिक्किम का स्टेट एनिमल है मेघालय, अभी हम पढ़ रहे हैं, नॉक रेक में मिलता है. उसके अलावा अरुणाचल और वेस्ट बंगाल में मिलता है मेनली, ठीक है. इट इज़ एज इंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड, और Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, Appendix 1 ऑफ साइट्स, ठीक है. सो ये आपको रेड पांडा के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए. देन क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है यहाँ पे. क्लाउडेड लेपर्ड देखो क्लाउडी सा ना पैटर्न होता है इनकी स्किन पे से, क्लाउडी सा, इस वजह से इसको क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है. IUCN vulnerable. अब ये ना तीन चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है. मेघालय का ये स्टेट एनिमल है, ठीक है. क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ पार्क टू क्लाउडेड लेपर्ड्स, ठीक है. नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है. स्टेट एनिमल ये मेघालय का है. और मिजोरम में जो डम्पा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है. तो तीनों स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें हैं. स्टेट एनिमल मेघालय, नेशनल पार्क त्रिपुरा और मिजोरम में हमारे पास डम्पा टाइगर रिजर्व में इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है. देन इंडियन बाइसॉन, वाइल्ड कैटल की लार्जेस्ट स्पीशीज़ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशीज़. देखो इंडिया में ना एक तो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये मिलता है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये मिलता है. उसके अलावा ना वेस्टर्न घाट्स में भी ये बहुत ज़्यादा मिलता है. वन ऑफ द एक्सटेंसिव एक्सटेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ गौर, ठीक है, स्पेशली वायनाड, नागरहोल, मुडुमलाई एंड बंदीपुर, ठीक है. IUCN इज़ वनरेबल, Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट. हुलॉक गिबॉन, अब देखो ये एक टाइप का एप है, ठीक है, विच इज़ दी ओनली गिबॉन फाउंड इन इंडिया, राइट. और ये ना आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलता है. इट इज़ फाउंड साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड द नॉर्थ बैंक एरियाज एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर, ठीक है. तो आपके पास ब्रह्मपुत्रा के साउथ में मिलता है, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ बैंक एरियाज़ में मिलता है एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर पे मिलता है. अब ना दो वेराइटीज़ हैं मोस्टली. ना पहले ऐसे माना जाता था कि हमारे पास वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही आपको इंडिया में मिलते हैं, लेकिन अभी लेटली ये पता चला है कि वेस्टर्न ही मिलता है, एक ही स्पीशीज़ मिलती है और उसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है. ईस्टर्न का वनरेबल है और दोनों ही Schedule 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है. सो दिस इज द गिबॉन, द एप विच इज़ फाउंड इन दिस पार्ट. देन नेक्स्ट इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड में, चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर. और इसमें हमारे पास नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आते हैं जो कि कोर एरिया है, ठीक है. वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और ऐसा माना जाता है कि इट इज़ लेस, मोर और लेस इंटैक्ट रही है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे गए क्योंकि इनएक्सेसिबल है, ठीक है. यहाँ पे आपको अल्पाइन फ्लावर्स, है जो हाइट पे मिलते हैं, वो मिलती है एंड यू गेट लाइक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है. नाउ इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड एट द कंजंक्शन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज. Then they include the catchment of Alaknanda river and its tributaries, including Rishi Ganga, Dhauli Ganga, Pushwati and Khiro Ganga. ठीक है, तो एक तरह से catchment है of Alaknanda, ये जो parks है और यहाँ से pass भी करती हैं बहुत सारी rivers, ठीक है. And they also show a unique transition zone between the mountain ranges of Zanskar and Great Himalayas, ठीक है. So एक तो ये है कि यहाँ पे आपको transition देखने को मिलती है. दूसरी चीज़ ईस्टर्न और वेस्टर्न के कंजंक्शन पे भी है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नेशनल पार्क्स की बात करें तो वी हैव नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वी हैव वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क विच आर इन द एरिया, इन द कैचमेंट एरिया ऑफ अलकनंदा रिवर, ठीक है. उसके बाद कौन से रिवर्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा. देन यहाँ पे ना आपको रोडोडेंड्रॉन, जिनको बुरांश भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ मिलते हैं. अब ये जो यहाँ पर जो एंडेमिक स्पीशीज़ है ना, उसकी परसेंटेज हाई है, ठीक है. और अगर हम मैमल्स की बात करें तो आपके पास स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर एंड भराल और ब्लू शीप यहाँ पे मिलती है. दिस इज़ दी लोकेशन ऑन दी मैप, राइट. रोडोडेंड्रॉन ना आपको ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस और नीलगिरीज तीनों जगह मिलता है एंड ये जो है ना इट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। और जब इनकी फ्लावरिंग होती है ना, दीज आर यू नो बिग पिंक कलर फ्लावर्स, जब इनकी फ्लावरिंग होती है तो इट इज़ सेलिब्रेटेड एज फूल संक्रांति विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। लेकिन ना पहले इनकी फ्लावरिंग जैसे पीक पे मार्च अप्रैल में होती थी, अब जनवरी में ही होने लग गई है, तो ऐसा माना जाता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो फ्लावरिंग साइकिल है दैट हैज़ रिवील्ड दैट दे आर प्रोमिनेंट इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद ये लोकल मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायरिया, उनमें यूज़ होते हैं। उसके बाद ना एक आरवट आए है जो कि मणिपुर के जूको हिल्स में मिलता है। इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया, ठीक है, और बहुत ही कम रहते हैं, नंबर बचा है इंडिया में। तो ये एक आरवट आए के बारे में आप ज़रूर देख लेना अलग से। उसके बाद स्नो लेपर्ड, ये आपको लद्दाख, JNK, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो अगर हम नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में देखें तो लद्दाख, JNK तो है ही, उसके अलावा उत्तराखंड में ही आपको मिलता है। देन इधर ही चल रहा है सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आप मैप में ऐसे याद कर सकते हो। अब ये ना इंडिकेटर है ऑफ द हेल्थ ऑफ इंडियन माउंटेन्स, ठीक है, ये ना बहुत ही ज़्यादा रेयरली दिखते हैं, इसीलिए इनको गोस्ट ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। IUCN इज़ वनरेबल, Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, Appendix 1 ऑफ साइट्स एंड CMS। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन बिश्केक डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड बाई 12 कंट्रीज़ फॉर द कॉन्जर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स, ठीक है। 12 देश हैं जो कि कॉन्जर्वेशन में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि 12 कंट्रीज़ में ही इसकी रेंज है, उनमें से इंडिया भी है, ठीक है। सो वी हैव इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कज़किस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। उसके बाद फिर मस्क डियर। मस्क डियर इज़ नोन फॉर द मस्क ग्लैंड्स, और उससे हम परफ्यूम्स वगैरह बनाते हैं, इसीलिए इनको हंट बहुत किया जाता है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, बट JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में भी ये आपको मिलता है। बेसिकली हाई अल्पाइन एनवायरनमेंट, मतलब 2500 मीटर के ऊपर वाली जगहों पे ही आपको मस्क डियर मिलता है। देन ब्राउन बियर, देखो ब्राउन बियर की भी जो स्प्रेड है हिमालयाज़ है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड टिबेट ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। अब ना जब हम ब्राउन बियर की बात करते हैं ना, हिमालयन ब्राउन बियर की नहीं, ब्राउन बियर की, तो इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, साइट्स Appendix 1। जब हम हिमालयन ब्राउन बियर की बात करते हैं ना, तो Schedule 1 में तो आएगा ही। उसके अलावा ना देखो जो हिमालयन माउंटेन्स में मिलता है ना, मतलब जो इंडिया में मिलता है, उसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और जो हिंदू कुश में मिलता है पाकिस्तान में, उसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लेकिन अगर हम ब्राउन बियर एज सच की बात करें ना, तो उसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, और इसका स्टेटस ऑब्वियसली Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में होगा, और ओवरऑल इनका Appendix 1 ऑफ साइट्स, ठीक है। तो वो चीज़ आप एक बार ना इसको ज़रूर देख लेना कि Appendix 1 ऑफ साइट्स लीस्ट कंसर्न। लेकिन अगर हम हिमालयन की बात करें ना, तो वो इंडेंजर्ड है, और हिंदू कुश की बात करें तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ओवरऑल लीस्ट कंसर्न है। तो ये पेपर में ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्लू शीप भी हाई माउंटेन्स में मिलेगी, हाई हिमालयाज़ में, ठीक है। IUCN स्टेटस इसका है लीस्ट कंसर्न, इसको भराल भी कहा जाता है, LC लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, देखो जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इट इनकम्पासेस अ लार्ज पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार विच इज़ इन द निकोबार रीजन ऑफ द इंडियन यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है, उसका 85% ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसमें ना आपके पास दो इंपॉर्टेंट है, एक गैलेथिया, दिस इज़ द गैलेथिया बे, सो दिस इज़ गैलेथिया जो हमारे पास नेशनल पार्क है, और हमारे पास जो दूसरा है दैट इज़ दी कैंपल बे नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। सो वी हैव नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, 2 नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, कैंपल बे एंड गैलेथिया, विच आर फॉर्मिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। जो कैंपल है वो नॉर्दर्न पार्ट में है, और जो गैलेथिया है वो सदर्न पार्ट में है। और यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। स्पीशीज़ में वी हैव अ बर्ड निकोबार स्क्रब फाउल, ठीक है। उसके बाद स्विफ्ट लेट है, निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और जाइंट लेदर बैक सी टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जाइंट लेदर बैक सी टर्टल है, ये आपको ना गैलेथिया बे में मिलता है मेनली, ठीक है। अब इट इज़ वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेरीन टर्टल्स एंड ये नो ये आपको सारी ओशंस में मिलते हैं सिवाय आर्कटिक और अंटार्कटिक में। और जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं ना तो ये आपको इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी गैलेथिया बे में मिलते हैं, ठीक है। शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड वनरेबल इज दी IUCN स्टेटस, ठीक है। और जो हमने दो पहले टर्टल्स किए थे हॉक्सबेल और ग्रीन टर्टल, राइट। सो लाइक आई सेड ये आपको सारे ओशन से मिलते हैं एक्सेप्ट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। इंडिया में ये इंडियन ओशन में अगर हम देखें तो ये इंडोनेशिया, उसके बाद श्रीलंका और इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पर भी गैलेथिया में आपको मिलते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है इनको सॉल्टीज भी कहा जाता है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है। एस्टुराइन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है क्योंकि एस्टुरीज में, स्वॉम्स में, मार्शेस में, ब्लैकिश एरियाज में आपको ज़्यादा मिलता है। अब प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल में हमारे पास वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ क्रोकोडाइल्स आउट ऑफ विच वन इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ऑल्सो। इसका जो IUCN स्टेटस है ना ये लीस्ट कंसर्न है, शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में ये ज़्यादा मिलता है, बट अंडमान एंड निकोबार में ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है वहाँ पे भी आपको मिलता है, ठीक है। अभी ना रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्योंकि ये टूरिस्ट पे अटैक कर रहे थे और शेड्यूल वन में है तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, नो वन कैन टच दैम, तो इसलिए बात हो रही थी कि इनको शेड्यूल वन से निकाल दिया जाए ताकि दे कैन बी कल्ड, दे कैन बी किल्ड बिकॉज दे वर अटैकिंग द टूरिस्ट एंड दैट वॉज इफेक्टिंग द टूरिज्म ऑफ द यूटी, ठीक है। लेकिन अब ये शेड्यूल वन में ही है। उसके बाद निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है और इंडिया में ना ये आपको ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और काचल में मिलता है, ठीक है। इनको क्रैब ईटिंग मकाक्स भी कहा जाता है एंड यू नो IUCN में ये वनरेबल है तो ये भी ना न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर टूल हैंडलिंग। इनकी ना टूल हैंडलिंग पे अभी स्टडी हुई थी, आईसीएआर मोहाली ने करी थी, सो दैट इज़ वाई देवर इन न्यूज़। सो आई डिसाइडेड कि हमें ये भी एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कंचनजोंगा विच इज़ नेम्ड आफ्टर द थर्ड हाइएस्ट पीक कंचनजोंगा या कंचनजोंगा, ठीक है। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये नेपाल, तिब्बत एंड इट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू भूटान। पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है क्योंकि ये नेचुरल भी है और ये कल्चरल भी है ना। यूनेस्को की फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जेमू ग्लेशियर मिलता है। राथोंग चू इज़ अ होली रिवर जिस पे डैम्स बनाने की बात की गई थी लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और नहीं बन रही। उसके बाद इट इज़ नोन फॉर रेयर ऑर्किड्स, रेड पांडा एंड स्नो लेपर्ड जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर बायोस्फीयर रिजर्व्स। उसके बाद वी आर इन टू वीक 8 ऑफ द रिविजन ऑफ फॉर प्रीलिम्स 2021 और इसमें जो आपके मिसलेनियस करंट अफेयर्स है ना जो कहीं कवर नहीं होते वो आप थोड़े से देख सकते हैं, बट अगेन आई वुड से रिवाइज जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज कीजिए, दैट इज़ द होल पर्पस एंड फोकस ऑन फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। दैट शुड बी योर आइडिया इन द रिमेनिंग डेज। इन केस यू वॉन्ट आवर हेल्प सो आई वुड सजेस्ट कि आप फुल लेंथ टेस्ट खरीद सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी। अगर आपको कंटेंट भी चाहिए सो यू कैन बाय आइदर स्टैटिक प्लस करंट और ओनली करंट पोर्शन एट दीज प्राइसेस। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इसके बाद अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। अगेन आई वुड से कि आप इस वीडियो को 1.5x पे देखिए ताकि आपका फटाफट से रिवीजन भी हो जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। थैंक यू।